सभी टेक्निक्स जिन्हें हमने देखा है वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए है। आप 59 के साथ 61 को मल्टीप्लाई करने के लिए किसका यूज करेंगे? चूंकि दोनों संख्याएं 60 के करीब है, हम बेस 60 अप्रोच का उपयोग कर सकते हैं या हम अम्ब्रेला अप्रोच का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे हमने 2 2-digit नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था। लेकिन एक और तरीका है जिससे इन दो नंबर्स को जल्दी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इससे पहले कि हम तीसरा तरीका देखें, नंबर्स को ध्यान से देखें। दोनों नंबर्स एक नंबर से समान है और वह नंबर 60 है। दोनों नंबर्स 60 से 1 यूनिट दूर है और जब भी हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हम एक आइडेंटिटी का उपयोग कर सकते हैं। हम a प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम फॉर्मूला के लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर्स a से b यूनिट्स दूर हैं। तो हम 61 टाइम्स 59 कैसे लिख सकते हैं? दोनों नंबर्स 60 से 1 यूनिट दूर है, इसलिए 61 को 60 प्लस 1 के जैसे लिखा जा सकता है और 59 को 60 माइनस 1 के जैसे लिखा जा सकता है। आओ कैमरे को थोड़ा ऊपर उठाएं। अब यह आइडेंटिटी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरह दिखता है। a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, जहां a 60 है और b 1 है, इसलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 60 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा। 60 स्क्वायर 3600 है और 1 स्क्वायर 1 है, और 3600 माइनस 1 3599 है। यह 61 और 59 का प्रोडक्ट है। इसलिए जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है और हम देखते हैं कि दोनों एक संख्या से समान दूरी पर हैं, तो हम इस आइडेंटिटी का उपयोग कर सकते हैं और आंसर को रियली क्विक प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके अगले दो एग्जाम्पल्स को हल करने का प्रयास करें। मैं आपको 15 सेकंड्स देती हूँ और आपका समय शुरू होता है अब। पहले एग्जाम्पल में दोनों नंबर्स 50 से 2 यूनिट्स दूर हैं। हम इसे 50 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 2 कर सकते हैं और हमने जो आइडेंटिटी देखी थी उसका यूज करते हुए यह 50 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर के बराबर होगा। यह 2500 माइनस 4 है जो 2496 के बराबर है। 48 टाइम्स 52 2496 है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल। दोनों नंबर्स 100 से इक्विडिस्टेंट पर है। 98 को 100 माइनस 2 के जैसे लिखा जा सकता है और 102 को 100 प्लस 2 के जैसे लिखा जा सकता है। आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसे 100 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर के जैसे लिखा जा सकता है। 100 स्क्वायर 10,000 है और 2 स्क्वायर 4 है। इसको सॉल्व करने से हमें 9,996 मिलता है और यह 98 टाइम्स 102 का आंसर है। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है जो एक नंबर से इक्विडिस्टेंट पर है, तब इस आइडेंटिटी का उपयोग करें। इसे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स आइडेंटिटी कहते हैं।